नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 अप्रैल 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेगा। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। पावर सोर्स कर्मियों की सेवाएं 30 जून तक जारी रहेगी, सरकार ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स के तहत रखे गए कर्मचारियों की सेवाएं 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य निदेशालय को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोविड-19 प्रबंधन के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मियों की सेवाएं 30 जून 2023 तक जारी रहेगी। ऐसे में अब कर्मी बिना किसी डर अपना काम सुचारू तरीके से जारी रख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने IGMC DDU समेत पूरे प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 1891 कर्मचारियों की कोरोना काल में तैनाती की थी। इनमें स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणियों के कर्मी शामिल थे। 31 मार्च को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। हालांकि IGMC शिमला समेत शहर में अन्य जगह लगे कर्मी काम से नहीं निकाले गए थे, इनसे पहले की तरह काम लिया जा रहा था, लेकिन प्रदेश में विभिन्न जगह कर्मियों को काम से निकाल दिया गया था। सरकारी नौकरी, सबसे पहले शिक्षा विभाग में खाली पद भरेगी सरकार, हार्ड एरिया में होगी तैनाती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में 17,000 पोस्टें खाली चल रही है, जबकि सैंक्शन पोस्टें लगभग 3 लाख के करीब है। सबसे ज्यादा खाली पद शिक्षा विभाग में चल रहे और सरकार का फैसला है कि सबसे पहले शिक्षा विभाग जल्द से जल्द भर्तियां की जाएगी। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में ये बात सामने आई है। कमेटी के अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले 5 साल में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 2,375 पद भरे गए, जबकि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा इसी पीरियड में 15,707 पद भरे गए हैं। इस दौरान ये भी खुलासा हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से सुस्त रफ्तार से रिक्रूटमेंट की जा रही है। सालाना औसत लगाई जाए तो 450 से 500 पद भरे जा रहे हैं, जबकि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से औसत सालाना 3,000 के लगभग है, यानी कि दोनों एजेंसियों के माध्यम से साल में 3,500 के करीब पद भरे जा रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल, 2 जिलों के DC 18 STM बदले, 16 IAS और 16 HAS ट्रांसफर। हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 IAS और 16 HAS अधिकारियों के हवाले किए हैं। इन प्रशासनिक फेरबदल में 2 जिलों सिरमौर और लाहौल स्पीति के DC बदल दिए गए हैं, जबकि 18 उपमंडल में STM के तबादले हुए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में 2010 बैच के IAS अधिकारी सुदेश कुमार मोक्टा को NHM के MD के साथ HPMC के प्रबंध निदेशक और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कार्यभार भी दिया गया है। 2011 बैच के IAS अधिकारी ललित जैन को अब CEO बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बद्दी भेजा गया है। बिजली बोर्ड से 2011 बैच के IAS गोपाल चंद को अब निदेशक शहरी विकास लगाया गया है, जबकि इनके पास CEO शिमला स्मार्ट सिटी का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा। डायरेक्टर विजिलेंस राजेश्वर गोयल को स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के MD का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। डायरेक्टर ऋचा वर्मा को CEO BBN से डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड शिमला नियुक्त किया गया है। धोनी चंद राणा डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टर एनवायरमेंट भी नियुक्त किए गए हैं। सिरमौर जिला के DC राम कुमार गौतम को अब फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। 6,500 करोड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जांच करवाएगी कांग्रेस, चुनाव के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। कांग्रेस ने प्रदेश के 2 शहरों में चले 6,500 करोड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जांच का फैसला किया है। ये जांच शिमला में नगर निगम चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी। निगम के हाउस में कांग्रेस जांच के प्रस्ताव को पास करवाएगी, इसके बाद ये प्रस्ताव सरकार को सौंपा जाएगा। प्रदेश सरकार उन कार्यों की जांच करवाएगी जिनमें धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। ये बात मुख्यमंत्री सुक्कू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव पूर्व में कांग्रेस सरकार ने केंद्र को भेजा था, सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा ने धनराशि को अंधाधुंध इस्तेमाल किया, करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद शहर की सूरत नहीं बदल पाई, आप भी पानी, पार्किंग और सड़कों के मसले स्थिर है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि केंद्र से मिले करोड़ रुपए आखिर कहां पर खर्च हो गए और जिन खर्च का हिसाब दिया गया उनकी वास्तविकता क्या है।
उन्होंने कहा कि जांच करवाने का फैसला नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक, 17,000 पद खाली, शिक्षा विभाग में सबसे पहले भरे जाएंगे 20,000 खाली पद। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के रिक्त 20,000 पद भरे जाएंगे। प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने को गठित कैबिनेट सब कमेटी मंगलवार को सचिवालय में इस बाबत विशेष नीति बनाएगी। सोमवार को एक कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शिक्षा विभाग में 1,12,000 पद स्वीकृत है, इनमें 20,000 पद खाली है। तुरंत नीति बनाकर मामले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। मंगलवार को शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, सचिव विधि को सुबह 10:30 बजे सचिवालय में बैठक के लिए बुलाया गया है। शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने का काम पहले शुरू किया जाएगा। कई स्कूल एक एक शिक्षक के सहारे है। विज्ञान और कॉमर्स विषय के शिक्षकों की ऐसे स्कूलों में संख्या बहुत कम है। चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, भरमौर और सिरमौर के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन जिलों के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षक जाने से गुरेज करते हैं। पेपलिक मामला भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के चपरासी मदन लाल की जमानत याचिका रद्द। पेपलिक मामले में भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के आरोपी चपरासी मदन लाल को न्यायालय से राहत नहीं मिली है। सोमवार को जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने आरोपी की जमानत अर्जी को रद्द कर दी है। अब 26 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहेगा। आरोपी मदन लाल पर आरोप है कि उसने पोस्ट को 939 JOIT परीक्षा की OMR सीट से छेड़छाड़ कर अपने बेटे विशाल चौधरी और भतीजे दिनेश कुमार को उत्तीर्ण करने में मदद की थी। इस पर SIT ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी अभ्यर्थी विशाल और दिनेश कुमार को 19 अप्रैल को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। कोरोना वायरस अपडेट, हिमाचल में 209 नए पॉजिटिव मामले, सक्रिय मामले 1,406। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3,688 लोगों के सैंपल लिए गए, इनमें से 209 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 1,406 हो गई है। 19 मरीज अभी भी प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। जिला कांगड़ा में 64, मंडी 55, बिलासपुर 24, सिरमौर 15, सोलन 13, शिमला 12, चंबा 11, किन्नौर और कुल्लू 6 और लाहौल स्पीति में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बीते 10 दिन से कोरोना का ग्राफ गिर है। हिमाचल में जहां सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 2,000 पार हो गया, वहीं भी अब घटकर 1,400 पहुंच गया है। 4 से 5 दिन के भीतर लोग ठीक हो रहे हैं। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की कोरोना से मौत हो रही है। पेपरलेस होगी सरकारी विभाग, विधानसभा के बाद अब महकमों में शुरू होगी ई ऑफिस प्रणाली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाद अब तमाम सरकारी विभाग भी पेपरलेस होने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी विभागों को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। विभागों में आगामी दिनों में कामकाज बिना कागज के होगा। राज्य सरकार ने ई ऑफिस को लागू करने का फैसला लिया है। सरकारी विभागों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए 1 जुलाई से ई ऑफिस प्रणाली शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल विधानसभा ने इस दिन समय महत्वाकांक्षी प्रयास करते हुए लगभग 9 वर्ष पूर्व भी पेपरलेस प्रणाली को अपना लिया था। विधानसभा में सभी कामकाज ऑनलाइन माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। अब राज्य सरकार ने ई ऑफिस प्रणाली को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश सचिवालय और निदेशालय स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने ये प्रशिक्षण मार्च में पूरा कर लिया है, जबकि निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 अप्रैल से पूर्ण रूप से आरंभ हो चुका है। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और ई ऑफिस प्रणाली इस उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी मददगार साबित होगी। हिमाचल में 2 IPS और 24 HPS अधिकारियों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को 2 IPS और 24 HPS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किया है। SP लाहौल स्पीति मानव वर्मा को AIG पुलिस मुख्यालय शिमला लगाया गया है। वहीं ASP कांगड़ा मयंक चौधरी SP लाहौल स्पीति लगाए गए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 HPS अधिकारी का तबादला आदेश रद्द कर दिया गया है। सरकार ने सोमवार को 11 IAS अधिकारियों के तबादले भी किए हैं। 5 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसी तरह 16 HS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड लीट पैट की 3,978 सीटों के लिए अभी तक मैच 3,928 आवेदन। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पैट और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट लीट की
3978 सीटों के लिए अभी तक तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पास महज 3928 आवेदन पहुंचे हैं। पैट के लिए 2565 तो लीड के लिए 1147 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। वहीं इनमें से 216 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने पंजीकरण करवा लिया लेकिन आगामी प्रक्रिया को अभी तक पूरा नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड प्रदेश भर में पैट 21 और लीड 28 मई को करवाएगा। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। बुधवार से प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26 से 28 अप्रैल तक प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। इस बीच सोमवार को प्रदेश भर में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। 26 अप्रैल को दोपहर बाद से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। 26 से 28 अप्रैल तक बारिश ओलावृष्टि और गरज की चेतावनी जारी हुई है। डॉक्टर राजेश राणा बने हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ के अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ ने 25वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकारिणी समिति का सर्वसहमति से गठन किया गया और सभी सदस्यों का निर्विरोध चयन हुआ है, जिसमें डॉक्टर राजेश राणा डीडीओ जोनल अस्पताल शिमला को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। मंडी में कमरे में लगी आग, भीतर सो रहे बुजुर्ग की दम घुटने से मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल की चांबी पंचायत के भराड़ी गांव में सोमवार तड़के घर के कमरे में अचानक आग लगी। इसमें भीतर सो रहे एक बुजुर्ग की दम घुटने से मौत हो गई है। खबर शिमला से, बंदर के डर से घर की 30वीं मंजिल से गिरी युवती, आईजीएमसी में मौत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के टुट्टू के पास डांडा में बंदरों के हमले के डर से 20 वर्षीय युवती की घर की 30वीं मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा सोमवार दोपहर के समय हुआ है। जानकारी के अनुसार युवती अपने घर की 30वीं मंजिल पर कुछ काम कर रही थी, अचानक वहां बंदर आ गए। बंदरों के हमले के डर से युवती नीचे गिर गई। इसके बाद युवती को उपचार के लिए आईजीएमसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती की पहचान हिमांशी पुत्री अशोक शर्मा के रूप में हुई है। हिमाचल में 2000 किलोमीटर सड़कों पर होगी टारिंग, अगस्त तक काम पूरा करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 2000 किलोमीटर सड़कों पर टारिंग होगी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर लोकमान विभाग ने टारिंग का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। अगस्त तक सड़कों को दुरुस्त किया जाना है। सरकार ने टारिंग करने के लिए टेंडर करने के निर्देश दिए है। जूनियर इंजीनियर से लेकर अधिशासी अभियंता टारिंग के समय फील्ड में तैनात रहेंगे। टारिंग में गड़बड़ी पाए जाने पर ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर खबर की जानकारी हम आपको एक ही वीडियो में, एक ही न्यूज बुलेटिन में देते हैं। तो आप एक ही वीडियो में हिमाचल की हर खबर की जानकारी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बोलता हिमाचल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन आएगी छोटी सी घंटी, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। जैसे हम आपको हिमाचल बुलेटिन में हिमाचल की जानकारी अपडेट देंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले आएगी। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका कोई सुझाव है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हो सके तो इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।